पटना के बिहार प्रदेश मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी का झंडा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल द्वारा फहराया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने इस मौके पर कहा कि भाजपा की स्थापना का उद्देश्य लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा, देश से गरीबी दूर करना था, जिसमें पार्टी काफी हद तक कामयाब रही है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा अपने उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में काम भी कर रही है। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, मंत्री मंगल पांडेय, जिवेश कुमार सहित पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव सहित बड़ी संख्या में विधायक और पार्टी के वरीय नेताओं के अलावे कार्यकर्ता भी मौजूद थे। भारत माता की जय। उपमुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और माननीय राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्री नंदकिशोर यादव, आग्रह करूंगी कि हमारे राज्यसभा सांसद माननीय सुशील मोदी जी भी का स्वागत अंगवस्त्र से करेंगे। राधे श्याम जी, राधे श्याम पाठक जी से आग्रह करेंगे कि शंभु प्रसाद जी, आज भी संघर्षरत है, वैसे हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्मानित मैं रितु रागनी जी से आग्रह करूंगी कि वो हमारे पूर्व मंत्री बिहार सरकार के और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय नंदकिशोर यादव जी का स्वागत अंगवस्त्र से करें। दीघा के विधायक संजीव चौरसिया जी का स्वागत हमारे प्रदेश अध्यक्ष। किरण शंकर भैया जी का स्वागत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी और रेणु दीदी जी करेंगी। अब मैं कंचन गुप्ता से आग्रह करूंगी कि वो आए हमारे प्रदेश के महामंत्री और दीघा के विधायक संजीव चौरसिया जी का अंगवस्त्र से स्वागत करेंगी। कंचन जी, अब मैं सभागार में उपस्थित सभी हम और इस अवसर पर विशेष रूप से हम अपनी दीदी, सबकी प्यारी दीदी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जो हमारे बीच में उप मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं और जिनके उपस्थिति मात्र से ही हमारी महिला मोर्चा और तमाम मोर्चा काफी ऊर्जावान हो जाती है।
ऐसे दीदी के प्रति हम विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं और आभार प्रकट करते हैं ऐसे तमाम 1980 में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ था और ऐसे तमाम उस अवसर पर पदाधिकारी के रूप में कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने शामिल हुआ था और उस दृश्य को आज भी वो देखते होंगे कि किस प्रकार से अटल जी के ओजस्वी भाषण और अटल जी के नेतृत्व में जो मुंबई के चौपाटी पर जनता पार्टी का प्रथम अधिवेशन पूरे भारतवर्ष को इस स्वरूप में लाकर खड़ा करेगा, पूरे वैश्विक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और हमारे पथ प्रदर्शक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में इस प्रकार से इस स्वरूप में आकर खड़ा होगा। आज वो कितना पुलकित होंगे, कितना वो आज अपने को अच्छा महसूस कर रहे होंगे, ऐसे तमाम अपने कार्यकर्ता जिनको हमारे विभिन्न दल के वरिष्ठ नेताओं ने सम्मानित किया है उन्हें नम प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका मार्गदर्शन और आपकी उपस्थिति मात्र से ही हम सब उर्जावित होते हैं। पुनः आप सबों को हम हृदय से प्रणाम करते हैं।